नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर बीएमसी में मामले बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर लापरवाहियां हो रही हैं, इसी का आरोप आज फिर लगा है। प्रसूता की मौत पर बवाल मचा। जी हाँ, अस्पताल में हंगामा हुआ तो पुलिस पहुंची। पति बोला इंजेक्शन लगाने के बाद हुई पत्नी की मौत। हम आपको बता दें कि सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गुरुवार रात प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए देर रात हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए परिजनों का हंगामा देख अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार वालों को समझा देकर शांत कराया गया। वहीं लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं शुक्रवार को महिला के शव का पुलिस सुरक्षा में पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं पुलिस ने परिवार वालों से बयान दर्ज किए हैं। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस जांच कर रही है। वहीं मृतका के पति प्रवीण आठिया निवासी पंतनगर ने बताया है कि पत्नी पूजा आठिया का प्रसव कराने के लिए 3 नवंबर को बीएमसी में भर्ती कराया था और दोपहर करीब 3 बजे ऑपरेशन से बच्चे पैदा हुआ, जिसके बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित थे। गुरुवार रात 12:30 बजे पूजा को अचानक पेट में दर्द उठा और दर्द होने पर वार्ड क्रमांक 6 में मौजूद नर्स स्टाफ को सूचना दी गई। इसी दौरान नर्स ने आकर पूजा को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के पूजा की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में मौत हो गई। पति प्रवीण ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पत्नी की मौत अस्पताल की नर्स स्टाफ और डॉक्टर की लापरवाही का परिणाम है। पूजा पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन इंजेक्शन लगने से उसकी मौत हो गई। लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सुबह 9-10 बजे दूसरे दिन 4 तारीख को 3 बजे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, कच्चा बच्चा दोनों ठीक स्वस्थ थे। होने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर दिया। फिर क्या घटना हुई? रात में 12:30 बजे थोड़ी तकलीफ होने लगी तो हमने वार्ड नर्स को बोला तो उन्हें आगे इंजेक्शन लगाया, जिस कारण से हलचल ही खत्म हो गई। सर, क्या नाम है आपका? तो डिलीवरी में रात में इसको तकलीफ हुई है तो इनके द्वारा पेन किलर और जो भी उससे संबंधित इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी, इसरा वगैरह जब्त होगा, FSL भेजा जाएगा। मृतका की उम्र क्या है? मृतका की उम्र करीब 26 करीब। क्या आरोप लगा रहे हैं सर पीड़ित? पीड़ित का कहना है लापरवाही। अब उसमें देखा जाएगा, FSL जाएगा, माल क्या रिपोर्ट आती है।